प्यारे विद्यार्थियों, नवनीत ट्यूटोरियल चैनल में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज असी पंजाब अचीवमेंट सर्वे और नैशनल अचीवमेंट सर्वे रिलेटेड कुछ प्रश्न करांगे। लैवल होएगा साडा 6 to 8। सब तो पहला असी 6वीं क्लास के कुछ प्रश्न करांगे, फिर 7वीं क्लास के, फिर 8वीं क्लास के। आओ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लैवल 6 का, 6 क्लास का, जिवें कि तुसी देख रहे हो। दो ऋणात्मक संख्यावां का जोड़ हमेशा, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी एक। असी दा आंसर दसना है। द सम ऑफ टू नैगेटिव नंबर्स इज पॉजिटिव, नैगेटिव, जीरो और वन। दो ऋणात्मक संख्यावां, ऋणात्मक संख्यावां मतलब माइनस वाली संख्यावां का जोड़ सम करना है। मतलब सानू पता है कि कोई भी अगर -3 विच असी -4 नूं जे असी जोड़ांगे तो साढ़े कोल की आएगा। -3 मतलब ऋणी हो गए हाँ। मतलब मान लो 3 रुपए असी किसी नूं दे दिते है, 4 -4 मतलब 4 रुपए भी असी किसी नूं दे दिते है, तो कुल असी किसी नूं किन्ने पैसे दिते है? 7 रुपए दिते है, नाल माइनस लगेगा। ठीक है, सो माइनस माइनस करने प्लस है, पर जो तो जोड़ दी गल आती है उदो असी की करना नाल माइनस का निशान लाण। सो इहदा आंसर की होएगा ऋणात्मक, कि दो ऋणात्मक संख्यावां का जोड़ ऋणात्मक हुंदा है। द सम ऑफ टू नैगेटिव नंबर्स इज अ नैगेटिव। तो साढ़े कोल इहदे विच ऑप्शन किन्नी की आ गई है, बी ऑप्शन राइट है साड़ी, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, -36 और 29 का जोड़, नाल 4 ऑप्शन दिती हुई ने नीचे, असी आंसर दसना है। द सम ऑफ -36 एंड 29। हुण साढ़े कोल -36 का असी जोड़ करना है 29 दे नाल, सम करना है। सो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस करना असी माइनस है, माइनस करांगे 36 विच जो 29 कढ़ांगे साढ़े कोल आ जाएगा 7। इन्हां दोनों विचों वड्डा नंबर किहड़ा हैगा 36, सो आंसर साढ़े कोल की आ जाएगा -7। सो इहदा ऑप्शन की आ जाएगी, सी ऑप्शन राइट आ, कि -36 विच जो असी 29 जोड़ांगे तो आंसर किन्ना आ जाएगा -7। सो असी की किया, असी इह चीज़ चैक कर ली है कि माइनस माइनस की हुंदे ने प्लस, प्लस प्लस की हुंदे ने प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। जो तो असी दो नैगेटिव नंबर्स नूं जोड़दे हाँ आंसर नैगेटिव ही आना है। जे असी एक प्लस एक माइनस नूं जोड़दे हाँ करना असी माइनस है, साइन असी वड्डे का देखना। ठीक है, ये साढ़े लैवल 6 के क्वेश्चन। लैट्स मूव टू लैवल 7। लैवल 7 मीनस 7th क्लास के बच्चों ने ये प्रश्न करने हैं। ठीक है, आओ देखते हाँ 7th क्लास का पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन जिदा कि तुसी देख सकते हो, हेठां दित्ते आं विच्चों संपूरक कोणां दा जोड़ा दसो। आइडेंटिफाई द सप्लीमेंटरी एंगल्स पेयर। सब तो पहला असी ये देखिए कि संपूरक कोणां दा जोड़ा की हुंदा है। संपूरक, संपूरक कोणां दा जोड़ा, सप्लीमेंटरी एंगल्स, ओ एंगल्स जिन्हां नूं असी जो जोड़दे हाँ तो 180 डिग्री बनता है, वह सप्लीमेंटरी एंगल्स होंदे हन, संपूरक होंदे हन, संपूरक। ठीक है, हुण असी ये देखना है कि इन्हां चारों ऑप्शनज विचों केड़ी ऑप्शन है जिदे एंगल्स नूं जोड़ के साडे कोल 180 डिग्री बन रहा है। पहली ऑप्शन चैक करते हैं, 110 विच जो असी 50 जोड़दे हाँ 160 बनता है, 105 विच जो असी 65 जोड़दे हाँ 170 बनता है, पंजाब विच जो असी 130 जोड़ते हाँ तो 180 बनता है, 45 से 45 जोड़ते हाँ तो 90 बनता है। सो साड़ी यदि ऑप्शन की होगी 50 डिग्री तो 130 डिग्री, ये साड़ी ऑप्शन नंबर सी यदा आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं नैक्सट, दो कोण संपूरक हो सकते हैं जेकर उन्हों दोवें ए पार्ट न्यून कोण, बी पार्ट अधिक कोण, सी पार्ट सम कोण, डी पार्ट इन्हों कोई नहीं। टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ, नंबर ए एक्यूट एंगल, नंबर बी ऑब्ट्यूज एंगल, नंबर सी राइट एंगल, नंबर डी नन ऑफ दीज। सो दो कोण संपूरक कदों हो सकते हैं? संपूरक हमने दसिया जिन्हों का जोड़ 180 डिग्री होवे। हुण
सानू ये अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी जरूरी है कि अक्यूट एंगल की न्यून कोण की होंगे, न्यून कोण 90 तो छोटा। जेकर दो कोण 90 तो छोटे हो जाएंगे, चलो अपनी मर्जी ना असी दो कोण 90 तो छोटे ले लें, एक 70 डिग्री ले लें, एक 80 डिग्री ले लें, इन्हों जोड़ दें साढ़े को आ जाता 150 डिग्री, 180 नहीं बनया, ठीक है। सो दो न्यून कोणों का जोड़ कभी भी संपूरक नहीं हो सकता। हुण लैने अधिक कोण, अधिक कोण मतलब 90 तो ज़्यादा ला लें, एक 110 डिग्री ला लें, एक 120 डिग्री ला लें, जो उन्हें दोवों जोड़ते हैं तो साढ़े को बनता 230 डिग्री, ये तो 180 तो भी ज़्यादा टप गया, ये हो गया साढ़ा गलत हो गया आंसर, ठीक है। समकोण, समकोण कितने डिग्री का होंगे, 90 डिग्री का, दो समकोण ले लें, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर देने, साढ़े को आ जाएगा 180 डिग्री, यह साढ़ा आंसर ना मैच हो गया। यदा मतलब दो समकोण होणगे तो फिर साढ़े को जरा कोणों का जोड़ जरा की होएगा संपूरक होएगा, सो यदा आंसर की आया समकोण। लैवल 8 के क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आओ पहला क्वेश्चन देखिए। नजमा कोल 20 बंटे हैं, रेशमा कोल नजमा के बंटियां का 1/5 है, रेशमा कोल किन्ने बंटे हैं। नजमा हैज़ 20 मार्बल्स, रेशमा इज़ हैविंग 1/5 ऑफ नजमाज मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल्स डज रेशमा हैव। हुण इहदा असी ऑप्शन दिते हुए ने, ये कैलकुलेट करना है क्वेश्चन, ये किद्दां कैलकुलेट करना है। हुण नजमा जिहड़ी है उहदे कोल 20 बंटे हैं, ठीक है, तो रेशमा कोल जिहड़ी रेशमा है उहदे कोल 1/5 हिस्सा है नजमा के बंटियां का, नजमा कोल 20 बंटे, यदा मतलब 5 के टेबल से 20 कितने जाता है, सानू पता है कि 1/5 मतलब ये गुणा पिया हो, 5 के टेबल से 20 कितने आता, 4 से कट के जो अभी करते हैं 4 × 1 = 4 आ जाता है, सो यदा मतलब रेशमा को किन्ने बंटे हो गए, 4 बंटे है, सो यदा आंसर की है 4, जिहड़ा कि साढ़े कोल ऑप्शन नंबर सी है। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, 40 विद्यार्थियों की एक जमात में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पसंद करते हैं, कुल संख्या का 2/5 गणित अते बाकी साइंस पढ़ना पसंद करते हैं, कुल विद्यार्थियों की ना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। सो इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ अ टोटल लाइक इंग्लिश, 2/5 ऑफ टोटल नंबर लाइक मैथ एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक साइंस, वट फ्रैक्शनस फॉर टोटल स्टूडेंट लाइक साइंस। सब तो पहला जिहड़ी कि पंजाबी मीडियम में क्वेश्चन है, तो तुहानू सारयां नू समझण दी जरूरत है कि अगर विज्ञान लिखा है उस तो पहला साइंस लिखा है एंड वन एंड द सेम थिंग, ठीक है जी। हुण उन्हें क्या है कि 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, इन्हां दी 40 की कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 जिहड़ा है वह अंग्रेजी पसंद करता है, सो इंग्लिश किन्नियां नूं पसंद है, 1/5, ठीक है। उस तो बाद उन्हें लिखा है गणित 2/5 पसंद करते हैं, तो जिहड़े बाकी रह गए ने वह सारे साइंस पसंद करते हैं। हुण सब तो पहला जदों असीं भिन्नां की गल करते हैं, ठीक है, 1/5 2/5 तो असीं पूरन की गल करते हैं, ठीक है, पूरन दे जिहड़े हैगे ने, हुण 5 है इहदा मतलब पूरन दे किन्ने भाग किए हुए है, 5 भाग किए हुए है, मान लो बराबर भाग किए हुए हैं पूरन दे, इदा कर लो, चलो ए 5 पूरन दे बराबर भाग किए हुए हैं, ठीक है, एक भाग इंग्लिश ने ला लिया, 2 भाग मैथ ने ला लिया, ठीक है। हुण बाकी भाग किन्ने रह गए साढ़े कोल, 2 भाग रह गए, इहदा मतलब 2/5 ही मेरे को साइंस पसंद करते हैं। हुण असी ये देखना है, उन्हें विद्यार्थियों की संख्या नहीं पूछी हैगी, ऑप्शन से सानू की दिता होया कि ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की संख्या का किन्ना भाग, संख्या नहीं पूछी सानू, उन्हें पूछिए किन्ना भाग। हुण असी ते कढ लिया कि विद्यार्थियों की संख्या का 2/5 भाग जिहड़ा वह साइंस पसंद करता है, पर साडे आंसर इहदे नाल मैच नहीं कर रहे, ठीक है, आंसर दे विच सारयां च बटे च 40 लिखा होया, ठीक है। सो असी की करना है, जिहड़ा साडा आंसर 2/5 कढ़िया है, असी वेखदे हां कि इहनू किहदे नाल गुणा करिए, ठीक है, हर विच असी इहनू किहदे नाल गुणा करिए कि साडे कोल 40 बन जाए, सो 5 नूं कितना गुणा करांगे कि 40 बन जाए, 8 नाल गुणा करांगे, जे असी इहनूं हर च करांगे तो इहनूं अंश विच भी करांगे, सो इह तां साडे कोल नीचे 40 आ गया, सो 2 × 8 = 16 आ गया, सो इस करके साडा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट कि 16/40 इहदा आंसर हैगा, ठीक है। आपां इह वेख के कन्फ्यूज नहीं होना, असी कीता की है बेसिकली, असी इहनां दोवां नूं जमा कर दिता, इंग्लिश का भाग जिहड़ा हैगा वह 1/5 है,
मैथ का भाग जो है वह 2/5 है, एलसीएम लैन की जरूरत नहीं है, जो असं प्लस करते हैं तो आता 3/5। ठीक है, हूँ पंजा तीन हिस्से तो इन्होंने ले लिया, बाकी हिस्से रह किन्ने गए हैं, मतलब एक चो घटाया असी पूरन चो ही घटाया असी 3/5, एलसीएम लैके जो तुम सॉल्व कर दो तो मेरे को 2/5 आ जाता। सो 2/5 ही उन्हें थोड़ा जहा किया हो या फिर बाय ऑप्शन चलो, पहली ऑप्शन चुको 16/40, उन्होंने लीस्ट फॉर्म से करके देखो कि जे मेरे को पहली ऑप्शन है 16/40 तो ए 8 के टेबल से कैंसल हो रही है, 8 2 16, 8 5 40, मेरे को 2/5 आंसर आ रहा जिहड़ा कि है। सो बैटर की है कि जो सा आंसर आ रहा असं ऑप्शन की फॉर्म में बनाए। सो प्यारे विद्यार्थियों लैवल 6 के स्टूडेंट्स आई कैन अंडरसटैंड कि वो 2 क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं कर सकते हैं, पर जो लैवल 8 के स्टूडेंट हैं उन्होंने 6th की पढ़ाई भी की है, 7th की पढ़ाई भी की है, सो सारे कंप्लीट के कंप्लीट 6 क्वेश्चन करेंगे। लैवल 7 के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने पता कि उन्होंने 6th क्लास पास आउट आ, 6th 7th दोवे प्रश्न करेंगे। सो प्यारे बच्चों साडा पूरा मकसद है कि असी क्विक मैथड जिहड़ा अडोप्ट करना है जिहदे नाल असी जल्दी तो जल्दी अपना आंसर फाइंड आउट कर सकीए। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी नाल नाल ही चलनी है, असी एक क्वेश्चन नूं बहुत ज़्यादा समा नहीं दे सकते। सो सारे बच्चों ने क्विक प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट डीकोडिंग करनी है। अगर किसी बच्चे कोई भी परेशानी आती है वो मैनू कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो वो हर संभव तरीके हेल्प की जाएगी उस बच्चे की। धन्यवाद।